दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का जिक्र किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है, देखकर खुशी हुई कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा पर चर्चा हो रही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से कहा कि आप उन्हें हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल दिखाएं और वो आपको दिल्ली में अपनी सरकार के स्कूल दिखाते हैं, फिर खुली बहस करेंगे। जनता खुद तय कर लेगी कि किस राज्य में शिक्षा पर अच्छा काम हुआ है। वहीं शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक से उनके दिल्ली कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बैठक में हमने ट्रांसगिरी क्षेत्र को लेकर हाटी मुद्दे पर व्यापक चर्चा की है, जल्द ही ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर पहुंचे, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिला की सीमा पहुंचते पर ही उखली से लेकर गांधी चौक तक जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका रोड शो के माध्यम से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर हमीरपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। बिलासपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरोड से एक अध्यापक का तबादला किए जाने से अब स्कूल एक अध्यापिका के सहारे चल रहा है। स्कूल से तबादले किए जाने पर जेबीटी टीचर को फिर से स्कूल में भेजने की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि स्कूल में 60 के करीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल में सिर्फ एक ही अध्यापक है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। चंबा जिले के रेला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स की भारी कमी है, जिसके चलते स्कूल के करीब 80% बच्चों ने दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। वहीं जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के अभिभावक टीचर्स की कमी होने की बात कह रहे हैं, जिसे लेकर कई बार शिकायत की गई है, पर शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल इंचार्ज भी स्टाफ की कमी पर बात कर रहा है। वहीं सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चूड़धार पर्वत चोटी पर स्थित शिरगुल महाराज के दर्शनों के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, पर यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। यहां सबसे ज्यादा परेशानी रात्रि ठहराव के लिए बनी दोनों धर्मशालाओं में जगह का अभाव है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।